फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गा रेसिपीज में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रोटी नूडल्स की रेसिपी, जो बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और बच्चों के लिए आप स्कूल टिफिन के लिए भी बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 रोटी बनाने के लिए यहाँ पे लोई लिए हैं। तो पहले से ही मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर आटा गूंद कर इसे 5 रोटी के लिए मैंने यहाँ पे लोई लिए हैं। तो सबसे पहले हम रोटी बनाकर ले लेंगे। और बाकी की भी रोटियां इसी तरह बेल कर ले लेंगे। रोटियों को मैंने बेल लिए हैं, अब इसे तवे पर सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हे पर तवा चढ़ा दिए हैं रोटियां सेक लेकर। रोटियों पर घी लगाकर इसे अच्छे से शेक लेंगे। ये देखिए, इस तरह रोटियों को सेकना है और बाकी के भी रोटियां इसी तरह सेक लेंगे। रोटियों को हमने अच्छे से सेक लिए हैं, अब इसे कट कर कर ले लेंगे। इस तरह से रोल कर कर कट कर कर ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह बाकी के भी रोटियां इसी तरह रोल कर कर कट कर कर ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सभी रोटियों को अच्छे से कट कर कर ले लिए हैं। देखिए, इस तरह से कट कर कर ले लिए हैं। तो चलिए रोटी नूडल्स बनाने की शुरुआत करते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई में ऐड करते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे 3 लहसुन की कलियां लिए थे, इसे बारीक कट कर कर लिए हैं, इसमें ऐड कर देती हूँ। लहसुन को हल्का सा भुनने के बाद इसमें ऐड करती हूँ बारीक चॉप के ऑनियन। एक ऑनियन लिए थे, इसे बारीक चॉप कर कर लिए थे। साथ में ऐड करेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी ऐड कर कर भुनने के बाद इसमें ऐड करती हूँ शिमला मिर्च, हरा शिमला मिर्च। साथ में ऐड करेंगे रेड शिमला मिर्च, येलो कलर शिमला मिर्च, थोड़ा सा गाजर लिए थे, इसे कट कर कर लिए थे, इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसमें ऐड करती हूँ स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से भून लिए हैं, अब इसमें ऐड करती हूँ टमाटो सॉस। 2 चम्मच टमाटो सॉस लिए थे, इसमें ऐड कर दिए हैं।
ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस। अब इसमें ऐड करती हूँ आधा चम्मच सोया सॉस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर कर ले लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करती हूँ रोटी जो हमने कट कर कर लिए थे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर कर ले लेंगे। अब इसमें ऐड करती हूँ धनिया के पत्ते। नूडल्स की रेसिपी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर किए हैं, तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।